नमस्कार दोस्तों, मैं मंजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मधुमेह केंद्र यानी बबुनिया रोड नियर आदित्य विजन के पास इनका क्लिनिक है और यहां पे जो डॉक्टर साहब बैठे हैं उनका नाम है डॉक्टर के एहतेशाम अहमद। आज इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस क्लिनिक के बारे में और मधुमेह रोग के बारे में। हेलो सर, कैसे हैं सर? सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और इस क्लिनिक के बारे में बताइए सर। डायबिटीज़ के लिए ये क्लिनिक जो है ये शहर में और बाकी जगह पर जाना जाता है। जी जी। और मधुमेह केंद्र जैसा कि नाम से स्पष्ट हो जाता है कि डायबिटीज़ का मुकम्मल जो भी कंप्लीट सॉल्यूशन है यहाँ पर, अनियंत्रित हो या जिस प्रकार का डायबिटीज़ हो जिससे बहुत सारी परेशानी पेशेंट को रहती है, कभी कभी इसकी वजह से बहुत सारी सर्जरी नहीं हो पाती है, शुगर बढ़ा हुआ रहता है और ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। जी, मुख्य कारण क्या होता है? बहुत सारी जटिलताएं हैं, तमाम चीज़ों का यहाँ इलाज होता है। कारण का जहाँ तक आप बात करेंगे डायबिटीज़ के लिए, तो आजकल के जो समय है उस समय में तनाव और जो भोजन का अनियमित सेवन है। जी जी। खास करके रवादार भोजन, फाइबरस फूड की कमी हो जाना खाने के अंदर। पहले जो लोग खड़ा अनाज खाते थे, लोग रिफाइन अनाज खाने लगे हैं, पॉलिश्ड अनाज खाने लगे हैं। तो भोजन में जैसे जैसे खड़े अनाज की मात्रा घटती चली गई, चिकने पॉलिश्ड रिफाइंड पदार्थों की मात्रा बढ़ती चली गई, तनाव आ गया जी, लाइफ स्टाइल में स्थूलता आ गई, यानी कि भाग दौड़ से पहले व्यक्ति साइकिल चलाते थे, पैदल चला करते थे, घरेलू जो औरतें थीं वो भी जाता चक्की पल मूसल ओखली, कहीं ना कहीं जब ये पूरी की पूरी चीज़ें विकास के क्रम में हमारे जीवन से जब अलविदा हुई हैं जी, तो इस विकास का ये साइड इफेक्ट के तौर पर डायबिटीज हमारे इंडिया में प्रकट हो गया है। वरना पूर्व में जब हम कम विकसित देश थे जी जी, हमारे यहाँ डायबिटीज की मात्रा इस मात्रा में नहीं थी, इस संख्या में नहीं थी। और आज हालत ये है कि डायबिटीज जो है पूरे देश में, संसार में जितने देश हैं, सबसे अधिक डायबिटीज के मरीज अब भारत में पाए जाते हैं और डायबिटीज कैपिटल बन चुका है भारत। भारत जो है डायबिटीज कैपिटल के तौर पर अब पूरे देश में जाना जाता है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे इससे हम निजात पा सकते हैं सर? हमने जैसा कि आपको आरम्भ में खान पान की बातों से अवगत कराया जी, और जी दैनिक दिनचर्या के स्थूल होने के बारे में बताया, तो निश्चित रूप से हम अपने खान पान की आदतों को सुधार लें, सुधार करेंगे। खड़ा अनाज या खड़े अनाज से तैयार किया हुआ भोजन, जौ से तैयार किया गया भोजन या गेहूं का दरा हुआ दलिया या और भी फ्रूट्स हैं हमारे पास, अमरूद में भी अच्छा रेशा होता है, फाइबरस फूड को खाना शुरू कर दें। फाइबरस फूड को खाना शुरू कर दें, कार्बोहाइड्रेट्स वाले जितने भोजन हैं उनकी मात्रा हम घटा दें, फैट्स की मात्रा घटा दें जी जी। जैसे हम लोग पहले तीसी खाते थे, तो इन चीज़ों को फिर से अपने जीवन में ऑब्जर्व करना लाए लाना पड़ेगा पड़ेगा। और मोटरसाइकिल की जगह साइकिल का चयन कर लें, जहाँ कहीं हम लोग रिक्शा से चलना चाहते हैं वहाँ पैदल चले जाएं। जी जी। तनाव से बचने के लिए सप्ताह में अगर समय नहीं है तो रविवार की छुट्टी ही सही, एक दिन कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़रूर खेलें, गेम ज़रूर खेलें कोई ना कोई, जिससे कि आपकी लाइफ में शारीरिक गतिशीलता, ऊर्जा, इन तमाम चीज़ों में इससे आपको मदद मिलेगी। सर अपने बारे में कुछ बताइए सर, आप यहाँ पे कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे? और मधुमेह केंद्र की स्थापना यहाँ पर हुई है 2014
चार से, और मकसद ही यही था कि स्पेशलिस्ट आप मधुमेह केंद्र ही चलाते हैं। मकसद ही यही था कि जो शहर में और दूसरे जगहों पर, जो चूँकि ये बहुत बड़ी चुनौती थी उस वक्त जब हमने शुरू किया, सिवान में मधुमेह केंद्र या इस प्रकार की स्पेशलिटी को लेकर कोई क्लिनिक थी ही नहीं। अच्छा जी, ये पहली क्लिनिक थी जिसने कि सबसे पहले इस पर फोकस होकर के काम करना शुरू किया, और आज परिणाम सबके सामने हैं। आज काफ़ी मरीज आ रहे हैं, खास करके जिनका प्रॉब्लम होता है, जिनका अनियंत्रित शुगर रहता है, उनके लिए एक रास्ता सुलभ हो गया है। वो आसानी से कम खर्च में अपने घर के पास, अपने शहर में, अपने गांव के नज़दीक एक उनके पास एक स्वास्थ्य सेवा है जहां पर कि वो आराम से आ सकते हैं, जहाँ के पहले उनको गोरखपुर, पटना, लखनऊ और दिल्ली जाना पड़ता, दूसरे जगहों पर जाना पड़ता था। तो हम भी धन्यवाद करते हैं सिवान के लोगों को कि उन लोगों ने टाइम दिया, पर विश्वास किया, और निश्चित रूप से हमारी क्लिनिक भी उनके विश्वास पर खरी उतरी है। सर, आप और मतलब मधुमेह के अलावा और क्या क्या आपका फैकल्टी देखते हैं? डायबिटीज़ तो अपने आप में एक सुपर स्पेशलाइजेशन होता है जी, तो इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं। एज ए फिजिशियन जो भी समस्याएं हैं पेट की, छाती की जी, तो चूँकि डायबिटीज़ अपने आप में कई बीमारियों को एक साथ लेकर के आती है। आपका टाइमिंग क्या है बैठने का सर? सुबह 11 बजे से 3 बजे तक हम बैठते हैं। मंडे टू सैटरडे, संडे क्लोज है जी। क्या सर संदेश क्या आपका रहेगा हमारे शिवानासी के लिए, या जो इस तरह से पेशेंट हैं, जो इस तरह से मरीज हैं, उनके लिए क्या आप यहाँ बरतना चाहते हैं? सबसे पहला संदेश है खुल के ज़िंदगी आप जिए जी, तनाव को भगाएं, खूब हंसे, बुढ़ापा को शरीर पर आने से आप नहीं रोक सकते जी, लेकिन बुढ़ापा को कंट्रोल करें, ब्रेन में आने से आप रोक सकते हैं। आप अंदर से जवान रहिए, अवसाद से दूर रहिए, डिप्रेशन से दूर रहिए, अपने को सकारात्मक बनाए रखिए, और निश्चित रूप से अगर वो सकारात्मक बना के रखेंगे तो एक आशा का संचार होगा, ऊर्जा का संचार होगा, और एक अच्छा जीवन जीने में उनको मदद मिलेगी। और डायबिटीज़ के मरीजों को खास संदेश है कि वो भी एक स्वस्थ जीवन, उतना ही हेल्दी लाइफ जी सकते हैं जितना कि एक दूसरा व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं है हेल्दी लाइफ जीता है, तो उनको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका हल ज़रूर होता है। यहाँ पे इमरजेंसी केस अगर आ सकते हैं तो यहाँ पे भर्ती होता है? नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ OPD है, कोई भर्ती नहीं, इमरजेंसी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। अच्छा सर, थोड़ा अपने बारे में बताइए, और कुछ अपने बारे में बताइए कि आपने मतलब आपका बैकग्राउंड। सर, बैकग्राउंड साधारण परिवार से हम हैं, बिल्कुल साधारण परिवार से, एक माता पिता शिक्षक थे जी। आपका होम टाउन? सिवान के ही रहने वाले हैं। सिवान से ही रहने वाले हैं, तो उसके बाद आपने प्रैक्टिस यहीं शुरू कर दिया? हाँ, यहीं से DAV स्कूल से पढ़ाई करी, उसके बाद इलाहाबाद गया, फिर मेडिकल की पढ़ाई। सर, आजकल के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके युवाओं के लिए भी मतलब महत्वपूर्ण है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमेशा अपने जीवन में 5 ईयर प्लान कीजिए कि अगले 5 साल में आप कहाँ पहुँचिएगा। 5 ईयर प्लानिंग करना पड़ता है हमेशा जी। आप 2019 में अगर बैठे हुए हैं तो आप 2024 में आप कहाँ पहुँचिएगा, आप अपना नोटबुक निकालिए, वहाँ लिखिए कि हमको यहाँ पहुँचना है 2024 में। फिर आप बैठ के चिंतन कीजिए कि 24 में पहुँचना है तो आपके काम की रफ्तार क्या होगी, आपके काम का मार्ग क्या होगा, और आप काम कहाँ शुरू करेंगे। ये 3 प्रश्न का जब उत्तर आप दे दीजिएगा तो निश्चित रूप से आप 2024 में जो अभी आपने लक्ष्य निर्धारित किया वहाँ ज़रूर पहुँचिएगा। और जीवन सतत चलने का नाम है, लक्ष्य बदलता रहता है, एक लक्ष्य मनुष्य पाता है फिर दूसरे लक्ष्य को उसको पाने का चेष्टा करना है। तो लगातार विकास होने के लिए, देश के विकास तभी होगा जब नागरिक अपना स्वयं विकास करता रहेगा। तो एक प्लानिंग होनी चाहिए, और प्लानिंग को एग्जीक्यूट तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास स्ट्रेटजी हो, रणनीति हो। थैंक यू सर। आपने देखा कि आज हम बात किए हैं डॉक्टर DR.K.AHTESHAM अहमद जी से, जो कि मधुमेह केंद्र चलाते हैं, और इनका क्लिनिक
बबुनिया रोड नियर आदित्य विजन के पास है, और आप किसी भी तरह से इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिया जाएगा और आप यहाँ पे आएँ और अपने आप को इलाज करवाएँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सर।